और स्नेक आइलैंड पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। स्नेक आइलैंड पर हमारे सभी सैनिक शहीद हुए हैं, ये ज़ेलेंस्की ने कहा। हमारे जवानों ने मौत को चुना, पीछे नहीं हटे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट की ओर से, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है 137 सैनिकों की मौत हुई है, 316 लोग घायल हुए हैं, 10 सैन्य अफसर भी शामिल थे जो कि शहीद हो गए हैं। मरने वालों में यूक्रेन के 10 अधिकारी भी शामिल थे। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने यह बड़ा बयान दिया है। स्नेक आइलैंड पर भी ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि स्नेक आइलैंड पर हमारे सभी सैनिक शहीद हो गए, हमारे सैनिकों ने रूस का डट करके मुकाबला किया और हमारे जवानों ने मौत को चुना, वो पीछे नहीं हटे। और एक और बड़ी खबर है यूक्रेन के स्नेक आइलैंड पर रूस का बड़ा दावा। रूस ने यूक्रेन के स्नेक आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। रूस ने यूक्रेन के 13 सैनिक मार गिराए। नेटो देश रोमानिया के करीब पहुंचा है रशिया। स्नेक आइलैंड से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है रोमानिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्नेक आइलैंड पर रूस ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि स्नेक आइलैंड को हमने पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है। यूक्रेन में है स्नेक आइलैंड और इस पर रूस का बड़ा दावा है। रूस ने यूक्रेन के स्नेक आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। रूस ने यूक्रेन के 13 सैनिकों को भी वहां पर मार गिराया है। नेटो देश रोमानिया के करीब पहुंच गए हैं रशियन सैनिक और स्नेक आइलैंड से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है रोमानिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।